हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ईवीएस की है। ये आज का पहला सीरीज है जिसमें हम ईवीएस का पैडागोजी देखेंगे। देखिए, ईवीएस के आपने बहुत सारे लेसन्स पढ़े होंगे, बट खासा इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में, जो कि सीटेट 2019 का जो आपका एग्जाम होगा, देखिए आपके जितने भी सेशंस हैं, जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी में हो, सभी में एक चीज कॉमन है, वो है पैडागोजी। ठीक है, तो पैडागोजी का पैटर्न सभी में आता है, यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके सिलेबस हैं, पैडागोजी सभी में कवर होता है। तो पैडागोजी वाला कॉन्सेप्ट काफी आपको ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो पहला सेशन हमारा होगा, आज का जो पहला क्लास होगा, पहला लेक्चर होगा, वो ईवीएस पैडागोजी का ही होगा। क्वेश्चंस आपके साथ टोटल हमें 10 डिस्कस करूंगा, 10 के अलावा और भी बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा वीडियो को देखते रहिए, और जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम को कितने विषयों में वर्गीकृत किया जाता है। हमें बताना है कि जो हमारा प्राथमिक स्तर होता है, यानी कि जो हमारा प्राइमरी लेवल होता है, उसमें जब हम ईवीएस को बच्चों को पढ़ाते हैं, जो अपने करिकुलम में हम जब ईवीएस को ऐड करते हैं, तो उसको कितने भागों में आपको डिवाइड करना चाहिए। ऑप्शन है 7 भागों में, 6 में, 8 में या फिर 4 में। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है। देखिए, आंसर आपको बाद में देखने को मिलेगा, तो आप पहले अपने आंसर भी चूज कर सकते हैं, जिससे आपको मालूम चल सके कि आपका तैयारी किस तरह से चल रहा है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 6 भागों में इसे बांटा गया है। अब 6 भाग कौन कौन से हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि आपको वो भी ध्यान में रहे। तो जो 6 भाग है वो इस तरह है। पहला जो आता है वो उसमें परिवार और दोस्त आते हैं। देखिए, परिवार और दोस्त इन द सेंस ऑफ हो गया, इसमें हम पौधे भी ला सकते हैं और जो जीव जंतु है उनको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट आता है वो है हमारा भोजन, तीसरा हमारा जल, चौथा है हमारा आवास, आवास यानी कि घर, और पांचवा हमारा यात्रा, यानी कि कहीं पर बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, शिक्षण प्राप्त करने के लिए जब आप उन्हें टूर पे ले जाते हैं, वो आ गया। और छठा है चीजें जो हम बनाते हैं और चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बनाते हैं इन द सेंस ऑफ इन सभी को छोड़ करके आप जो चीजें बनाते हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल बनाते हैं, तो इससे जो ये भी एक ईवीएस का पार्ट है, इससे पर्यावरण को क्या हानि है, क्या नुकसान है, ये भी बताना है। इस्तेमाल करते हैं यानी कि जो चीज आपने बनाया, जो चीज आपने इस्तेमाल किया। अब इस्तेमाल का हो गया, जैसे कि आपने जमीन से हमारा अंडरग्राउंड से कोयला निकाला, आप उसे बनाते नहीं है, हाँ रिफाइन जरूर करते हैं बट इस्तेमाल करते हैं। तो बनाना और इस्तेमाल करना दो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप पहला क्वेश्चन इजी तरीके से आपको क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण के मुद्दों में क्या शामिल है। यानी कि यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इनमें से पर्यावरण के मुद्दों में कौन कौन सा चीज शामिल होता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, जी हाँ ईवीएस में ये हमें शामिल करना होता है। ओजोन रिक्तिकरण, जी हाँ ओजोन परत में जो हमारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है वो भी हम ईवीएस में शामिल करते हैं। अम्ल वर्षा, जी हाँ अम्ल वर्षा भी शामिल करते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो अम्ल वर्षा है इसमें कौन कौन से पार्ट मिश्रण होते हैं, यानी कि पानी में कौन से पार्ट हमारा मिश्रित होते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि अम्ल वर्षा में कौन कौन से पार्ट सम्मिलित होते हैं, तब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु, यानी कि विषय वस्तु यानी कि थीम आधारित उपगम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। यानी कि यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, देखिए ये चारों ऑप्शंस आपको पढ़ने में सभी के सभी सही लगेंगे, बट यहाँ पर हमें बताना है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर वेटेज रखता हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हमें सिर्फ उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, विषय वस्तु यानी कि थीम, हम बच्चों को क्यों ईवीएस पढ़ा रहे हैं हमें ये बताना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं।
यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, यानी कि जो हमारा EVS है वो हमारे टीचिंग को अधिक गतिविधि देता है और साथ ही साथ वो इंटरेस्टिंग बनाता है, इसलिए हमें उसे ऐड करना चाहिए। या फिर यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के विहित विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, यानी कि जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी हमारे उसमें स्किल्स वगैरह जो भी पार्ट्स होते हैं उन सभी को ऐड करता है। इसलिए यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, यानी कि ये हमारे लिए क्या करता है, ये एक इजी लर्निंग वे है और साथ ही साथ ये पूर्ण ज्ञान भी हमें देता है, इसलिए मानना चाहिए। या फिर जो चौथा ऑप्शन है वो देखते हैं, यह पाठ्य योजनाओं का एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग यहाँ चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों आपको सही लग रहे होंगे, बट जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण का थीम जो है, यानी कि जो विषय वस्तु है, वो आपके पढ़ाने के लर्निंग में वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस का अगर आप ध्यान दें तो लिखा हुआ है, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करता है। देखिए ढांचा प्रदान करने का सेंस हो गया कि किस तरह पढ़ाना है, ये आपको बताता है कि आप EVS उन्हें किस तरह पढ़ाए, कोई विषय वस्तु, कोई थीम, यानी कि जैसे आपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया कि बच्चों को पौधे लगाने चाहिए, ठीक है? अब पौधे क्यों लगाने चाहिए, अगर आप इसका ढांचा प्रदान कर दे, जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो हमारा भूमिगत जल है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए ताकि वर्षा हो, और वर्षा होगी तो गर्मी कम होगी, ओजोन परत में जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे होंगे। तो ये एक ढांचा प्रदान आपको करेगा और साथ ही साथ लिखा हुआ है शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा। जी हाँ, अगर आप उन्हें कोई एग्जाम्पल्स देंगे, वो से एग्जाम्पल्स जो रियलिटी से जुड़े हुए होंगे, जब भी आप कोई विषय वस्तु यानी कि जो थीम बनाएंगे तो वो रियलिटी से जुड़ा हुआ बनाएंगे, और रियलिटी से जुड़ा हुआ बनाएंगे तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बच्चों को प्रभावित करेंगे, वो उन्हें इंटरेस्ट लगेगा। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ठीक है? मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, यानी कि एक क्लास में 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, ठीक है? कुछ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं, ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं, उपयुक्त पब्लिक स्कूल में से किसका अनुपालन करता है, यानी कि जो स्कूल है, जो प्रत्येक स्कूल है, उस स्कूल में जो क्लास है उसमें 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी रूप से विकलांग है, या तो शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से, और वहां पर जो बच्चे हैं वो सभी एक साथ पढ़ते हैं, तो ये जो स्कूल है वो किस टाइप का स्कूल है आपको ये बताना है। मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को पता होगा। तो ये किस टाइप का स्कूल है, ये होता है समावेशी शिक्षा, यानी कि ये एक तरह का समावेशी स्कूल होता है। देखिए स्कूल्स टोटल 4 तरह के होते हैं, उसमें किस किस तरह का एजुकेशन दिया जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, जिसमें आपके समावेशी के 2 टाइप हो जाते हैं, ठीक है? मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये मेरा नेक्स्ट सेशन होगा जो कि CTET के लिए या फिर किसी भी BEd एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपको उसमें देखने को मिलेगा। अभी EVS है इसीलिए मैं समावेशी और स्कूल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। प्रायोगिक शिक्षण सिद्धांत में कर्ल रोजर ने कितने प्रकार के शिक्षण को प्रतिष्ठा किया है, यानी कि जो हमारे कर्ल रोज हैं, इन्होंने पढ़ने के लिए जो भी हमारा जो प्रायोगिक शैक्षिक सिद्धांत है उसके लिए इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, तो आपको बताना है वो कितने टाइप के उन्होंने सिद्धांत दिया था लर्निंग के बारे में, किसके बारे में, लर्निंग यानी कि शिक्षण के बारे में, 1, 2, 3 या फिर 5। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उन्होंने 2 सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो है, पहला हमारा कॉग्निटिव सिद्धांत दिया था, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग दिया था, और दूसरा जो दिया था वो था एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये 2 मेथड उन्होंने हमें दिए थे लर्निंग के, ठीक है? देखिए कॉग्निटिव को वो मीनिंगलेस मानते थे, यानी कि इसमें कोई खासा मीनिंग्स वगैरह नहीं होता था, और जो हमारा
एक्सपेरिमेंट था ये हमारा साइंटिफिक मेथड माना जाता था जो कि काफी इंपॉर्टेंट रखता था बच्चों को किसी भी चीज के बारे में बताने के लिए, उनके दिमाग में कोई भी चीज डालने के लिए, उन्हें याद कराने के लिए, समझाने के लिए, उनके प्रॉपर नॉलेज देने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत माना जाता है, यानी कि यहाँ जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वो संकेत है जिससे आप कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो प्रतिभाशाली बालक होगा। ठीक है, यहाँ चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि बच्चा प्रतिभाशाली बालक है या फिर नहीं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है, पहला है हमारा सृजनात्मक विचार होना चाहिए, रचनात्मक सोच होनी चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए या फिर उपयुक्त सभी। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक प्रभावशाली बच्चा तभी बनेगा, प्रतिभाशाली बच्चा तभी बनेगा जब वो सृजनात्मक विचार रखने वाला हो, यानी कि क्रिएटिव हो, बहुत सारी चीज क्रिएटिविटी सोचता हो, रचनात्मक सोच रखता हो, एक अलग से थिंकिंग रखता हो, कुछ अलग अलग करने की सोच रखता हो, साथ ही जिज्ञासा भी हो कि हर चीज को वो बारे में जानना चाहता हो, हर चीज में उसका इंटरेस्ट रहता हो कि ये चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीजों का वो क्वेश्चंस काफी क्रिएट करता हो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी चीज आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिक्षण सहायक को पुराने दिनों में मैजिक लालटेन के रूप में जाना जाता था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2017 का जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर है बताना है आपको मैजिक लालटेन, ये पुराने दिनों में किसे कहा जाता था, पुराने दिनों में मैजिक लालटेन जैसा वर्ड था वो किसे कहते थे। ऑप्शन है हमारे, चॉकबोर्ड को कहते थे, ग्राफ को कहते थे, या फिर स्लाइडर प्रोजेक्टर को कहते थे, या मैप को कहते थे। ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा स्लाइडर प्रोजेक्ट होता था उसे ही पुराने समय में यानी कि पहले के समय में मैजिक लालटेन कहा जाता था, जिसे कि आज के टाइम में एक तरह से हम बोल सकते हैं स्मार्ट स्कूल का ये एक वर्क है। ठीक है, जो मैं पढ़ाने के लिए भी जिस तरह से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी एक तरह का स्लाइडर प्रोजेक्ट ही है जो आप लोगों के सामने चल रहा है। तो एक तरह का ये आज के डेट में स्मार्ट क्लासेस हो गए और पुराने समय में ये मैजिक लालटेन थे, बस समय बदल गया है और नाम चेंज हुआ है और कोई भी चीज चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया में तत्परता का नियम व्यक्त करता है। यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो ये बताता है कि सीखने के लिए आप तत्पर हैं, तत्पर हैं यानी कि जिज्ञासु हैं, आप उसे सीखना चाहते हैं। तो इन चारों में से, यहाँ जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा नियम इस चीज को व्यक्त करता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सीखने के लिए आत्मविश्वास का होना, सीखने की तीव्रता को दर्शाना, सीखने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करना, या फिर सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण का होना। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीखने के लिए आत्मविश्वास का होना। देखिए तत्परता और आत्मविश्वास का काफी मिला जुला रिलेशन है। ठीक है, कभी भी आप कोई भी चीज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है आपकी आत्मविश्वास। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज को नहीं सीख पाएंगे। आत्मविश्वास होगा तभी आप तत्पर होंगे, उस चीज को सीखने के लिए जिज्ञासु होंगे, उस चीज के पीछे दौड़ेंगे, उस चीज के लिए आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं मुझे ये चीज सीखना ही है। जैसे कि आपको अगर पढ़ाई करना है तो आप ईवीएस की तो पढ़ाई कर रहे हैं, साथ आप ईवीएस पैडागोजी की भी पढ़ाई करेंगे ताकि आपका जो भी पार्ट है वो सभी क्लियर हो सके। और जब भी आप कोई आंसर टिक करेंगे कि हाँ हमारा जो आंसर है वो यही होगा, तो एक आत्मविश्वास के साथ अगर आप टिक करते हैं तो आपका आंसर जो है वो काफी ज्यादा चांस होता है उसके सही होने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 9th नंबर है हमारा। परियोजना विधि निम्न में से किस विचारधारा पर निर्भर करती है। आपको बताना है जो परियोजना विधि है हमारा वो किस विचारधारा पर निर्भर करती है। व्यवहारवाद पर, प्रभावी डोमेन पर, विश्लेषण पर, या फिर उदारतावाद पर। अपने ऑप्शन चूज कीजिए। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यवहारवाद। देखिए व्यवहारवाद जैसा नाम से ही मालूम चल रहा है, यानी कि व्यवहार से सीखना। देखिए व्यवहारवाद और सैद्धांतिकवाद दो होते हैं हमारे,
जो हमारा जो सैद्धांतिक होता है उसका कहना है कि एक नियम कानून के तहत हमें चलना चाहिए, जबकि हम बात कर रहे हैं ईवीएस की, और ईवीएस में व्यवहारवादी ज्यादा काम करता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दूं, अगर आपको कहा जाए कि इस जमीन पर आपको पेड़ उगाना है, कोई एक बंजर जमीन दे दूं और एक आपको दे दूं मैं जो अच्छी मिट्टी का जमीन है वैसा दे दूं, और मैं बोलूं कि इस पेड़ के लिए आपको इतना खाद डालना है, तो क्या आप दोनों मिट्टी में सेम तरह के खाद डालोगे? जी नहीं। तो यहाँ पर आपने अपने व्यवहार का इस्तेमाल किया, क्योंकि जिस मिट्टी में उपजाऊ कम है वहां पर हम ज्यादा खाद देंगे ताकि वहां पर से उपज अच्छी हो, और जो मिट्टी हमारा पैदावार अच्छा करती है वहां पर हम कम खाद देंगे जिससे हमारा जो खाद की मात्रा है वो ज्यादा ना हो जाए, ये भी ध्यान देना है। तो व्यवहारवादी इसी चीज पर ध्यान देते थे कि कोई भी चीज व्यवहार के थ्रू किया जाए, ना कि उसके रूल के अकॉर्डिंग किया जाए, जैसी जरूरत है वैसा काम किया जाए। ये जो व्यवहारवाद है ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1870 ईस्वी में, और ये माना जाता है कि इसे स्टार्ट किया था हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था, वो भी 1870 के दशक में किया था। तो ये भी चीज आप याद रखिए, अगर आपसे पूछ रहे था कि व्यवहारवादी कब स्टार्ट हुई थी तो आपको बताना है 1870 ईस्वी में। किस देश में स्टार्ट हुआ था तो ये आपको बताना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उद्घाटन किया गया था, शुरुआत किया गया था, ये वहीं का एक तरह से माना जाता है। ठीक है, चलिए आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, समूह चर्चा के दौरान शिक्षक द्वारा निम्न में से कौन सी समस्याएं उठाई जा सकती है, यानी कि जब हमारा समूह चर्चा चल रहा है या फिर समूह चर्चा आप करने वाले हैं, तो एज अ टीचर आपके लिए आपके सामने जो समस्याएं आएंगी उनमें से कौन सी समस्या को सबसे पहले आप उठाएंगे या फिर सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे आपको वो बताना है। समूह चर्चा इन द सेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन की यहाँ पर बात चल रही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान, समूह चर्चा आयोजित करने का स्थान, छात्रों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए ये आप जो आपको पढ़ के यहाँ पर लग रहा हो कि सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, और ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी टिक करने का सोच रहे होंगे, बट डी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है सबसे पहले हमें वो जानना चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है, समूह चर्चा के दौरान एज अ टीचर आप कौन सी समस्या को उठाएंगे, यानी कि अगर आप समूह चर्चा करवाना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग पे होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा हमारे पास विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान। जब तक आपको विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा तब तक आप बच्चों के बीच में डिबेट नहीं करवा पाएंगे। जब तक आपको, क्योंकि डिबेट के दौरान आपको एज अ जजमेंट या फिर आपको ये देखना होगा कि कौन से बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या वो सही है या क्या वो गलत है, तो जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो या फिर बच्चों को प्रॉपर नॉलेज ना हो तब तक ना वो पॉजिटिव बोल पाएंगे ना वो नेगेटिव बोल पाएंगे। तो किसी भी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए सबसे पहले उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए पहला जो राइट आंसर है वो है विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान। आई होप मैंने जो 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए ये सभी आपको क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी इसकी जरूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो प्रॉपर नॉलेज पा सके। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हैव अ नाइस डे।